मेरी जितनी गारंटी 1001% है। जनता हमारे साथ आएगी, बीजेपी की चुनेगी, नरेंद्र मोदी को चुनेगी और इसलिए हमारी जीत भी प्रचंड होगी। कहने के लिए कारण नहीं है और इसलिए पैसा ईवीएम ये तो पुरानी बातें हैं, जिसके लिए उनको लगता है कि अभी हम हारने वाले हैं, पराभव दिख रहा है, तो अभी क्या कारण दिखाएंगे, किस जनता को क्या बोलेंगे। मैं एक सर्जन हूँ तो ऐसे कह सकता हूँ, जैसे अच्छी सर्जरी कर सकता हूँ तो मेरे लोकसभा क्षेत्र की विकास की सर्जरी भी मैं कर सकता हूँ। जहाँ बीते कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद कहीं न कहीं पालघर लोकसभा सीट अंतर्गत जो है हिंदुत्व की लहर तेज हो चुकी है, उसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से उम्मीदवार डॉक्टर हेमंत सावरा जी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो मोदी की गारंटी है उसके बाद पालघर लोकसभा सीट अंतर्गत भाजपा की गारंटी जीतने की कितनी ज्यादा प्रतिशत से बढ़ चुकी है। सर क्या कहेंगे, मोदी की गारंटी के बाद आपकी जीतने की गारंटी कितने परसेंट है? मोदी जी की गारंटी के बाद मेरी जितनी गारंटी 1001% है। जिस तरह से हमारा प्रचार शुरू हुआ जोर शोर से, फॉर्म जब हमने भरा तो ही आपने देखा होगा करीब 30-35 हज़ार लोग नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए मेरे साथ आशीर्वाद देने आए थे, और कल तक हमारे बड़े बड़े वरिष्ठ नेतागण यहाँ के बड़ी सभाएं लेके गए हैं, जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित जी शाह थे, मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे थे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, और कल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ये भी आके गए हैं, और बाकी भी वरिष्ठ नेतागण यहाँ पूरे मतदार संघ में हरे किला में घूम रहे हैं। तो हमारा इससे पूरा आत्मविश्वास बढ़ चुका है और इसलिए हर एक कार्यकर्ता में अच्छा उत्साह है और हमें लगता है कि हम बड़ी जीत हासिल करेंगे। आपने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बात की, अब जिस तरीके से लगातार बाहर से नेता लोग आ रहे हैं और हिंदुत्व की लहर जो है प्रचंड है, उस बीच विपक्ष का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति करती है और उसी पे वोट मांगती है, इस पे आपका क्या कहना है? अपने देश का नाम क्या था पहले, एक नाम क्या है, हिंदुस्तान, और हिंदू का ही धर्म एक धर्म का नाम है नहीं है, सिर्फ हिंदू यानि सर्व समावेशकता, हिंदू यानि सहिष्णुता, और उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जो कुछ जातियां हैं वो सब जब एकत्र आते हैं उसको हिंदुत्व कहते हैं, जब हिंदुस्तान का धर्म पालना पड़ता है तब उसको हिंदू कहते हैं। तो इसलिए ये कुछ अलग अलग बांटने बंटवाने की बात नहीं है, ये सब बस बतौलेबाजी है। एग्जैक्टली, देश प्रेमी है, राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्र प्रति सद्भावना रखता है, राष्ट्र के प्रति काम करता है, वो सब हिंदू है, वो सब भारतवासी है। वैसे विरार क्षेत्र अंतर्गत जो सत्ताधारी पार्टी है उनका ये कहना है कि हम 35 साल से वहाँ की लोकल पार्टी हैं, हम विकास कार्य करते हैं, इसीलिए हम जो अभी लोग खड़े हो रहे हैं हमारे विपक्ष, हम उनको निपटा डालेंगे, किसी में सहनशीलता नहीं है कि वो आके हमारे इलाके में हमारे साथ डट कर और हमें हटा कर चले जाएं, उस पर आपका क्या कहना है? ये बात सही है कि 35 सालों से उनकी सत्ता कॉरपोरेशन में है, लेकिन ये बात भी सही है कि जिस तरीके से जिस तरह उन्होंने कॉरपोरेशन का विकास करना चाहिए था वो किया है क्या? वो नहीं किया है। अगर वो किया होता तो डेफिनेटली सत्ता उनके हाथ में रहती थी, खासदार उनका ही रहता था, लेकिन अब जनता जनार्दन जान चुकी है कि विकास जब करना पड़ता है, जब विकास का नाम जब आता है तब तब सिर्फ एक ही नाम आता है, वो नरेंद्र मोदी, और जैसे जिस तरह से प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, विकास का काम किया है, हर क्षेत्र में विकास का काम किया है, और इसीलिए जनता डेवलपमेंट चाहती है, और इसीलिए बाकी सब लोकल बातें छोड़ के जनता हमारे साथ आएगी, बीजेपी की चुनेगी, नरेंद्र मोदी को चुनेगी और इसीलिए हमारी जीत भी प्रचंड होगी। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसके ऊपर पैसों की उगाही और वोटर्स में उसकी बटाई का आरोप है, क्या कहेंगे इस पे? नहीं नहीं, ये सब झूठा है, ये सब ऐसे कुछ नहीं है, ये सब झूठा है, मतलब वो जो बातें कर रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। उनको पता है कि अभी वो उनका पराभव दिख रहा है, तो अभी कुछ तो कारण चाहिए ना, कहने के लिए कारण नहीं है और इसलिए पैसा ईवीएम ये तो पुरानी बातें हैं, जो वापस उनको लगता है पैसा ईवीएम धर्म, जिसके लिए उनको लगता है कि अभी हम हारने वाले हैं, पराभव दिख रहा है, तो अभी
क्या कारण दिखाएंगे, किस जनता को क्या बोलेंगे, मतलब कुल मिलाकर डर की वजह से ये आरोप की वजह से उनको एक कारण दिख रहे हैं। अच्छा, अगर यहाँ की जनता आपको चुन के लाके देती है तो आप क्या काम करेंगे, क्या करके देंगे उनको, आपका विकास मेरा का मेन क्या होगा? एम रहेगा विकास। जो अब पालघर लोकसभा क्षेत्र है अलग क्षेत्रों में डिवाइड हो चुका है, आदिवासी बहुल है, मच्छीमार बांधों का सागरी भाग है, और जो वसई विरार नाला सोपारा जो जिसे बहुत से नागरिक यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं, तो नागरी जो भाग है, तो उसके वजह से जो असुविधाएं प्राप्त हो रही तो इस सम भाव का डेवलपमेंट करना सुनिश्चित करना, और इसके लिए भरी फंड लाना, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ में, ये मेन हमारा ये मोटो रहेगा। और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना और डेवलपमेंट की एक दिशा देना और उसकी रफ्तार तेज़ करना, ये मेरा मेन एम है। तो कुल मिला के भाजपा के जीत की गारंटी तय है और विपक्ष का ऑपरेशन होने वाला है। मैं एक सर्जन हूँ तो ऐसे कह सकता हूँ, जैसे अच्छी सर्जरी कर सकता हूँ तो मेरे लोकसभा क्षेत्र की विकास की सर्जरी भी मैं कर सकता हूँ। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर हेमंत सावरा जी। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये सिर्फ विकास कार्यों पे ध्यान देंगे और विपक्ष डर कर सिर्फ और सिर्फ बतौलेबाजी और तथ्यहीन बातें कर रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब इनकी जीत के बाद विपक्ष की सर्जरी भी तय है। बहरहाल अब देखना यही होगा कि 4 जून को किसके जीत का परचम लहराता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में, तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।